नमस्कार मित्रों, ये है मेरा करेले का पौधा। मैंने इसको घर के बीच से ही तैयार किया है और कैसे उगाया है ये वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरी चैनल पे ऑलरेडी पड़ा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि मैंने घर पे करेले जो आते हैं उसके बीच से कैसे ये पौधा ग्रो किया है। तो दोस्तों, अगर आप मेरी तरह शौकीन है घर पे ही सब्जियों के पौधे लगाने के, तो इससे स्टार्ट कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो करेले का पौधा लगाइए, ये आसान होता है ग्रो करने में और इसको कोई और कीटनाशक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि इसमें कम कीट लगते हैं। तो चलिए, मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह हम घर पे फ्री के फर्टिलाइज़र से हमारे करेले के पौधे पे ज़्यादा से ज़्यादा फल ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो दोस्तों, करेले का पौधा अगर आपने लगाया है या लगाने वाले हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसको 6 घंटे की धूप कम से कम मिलनी चाहिए, तभी ये फ्रूटिंग करेगा, वरना ये ग्रो तो करता रहेगा मगर इसमें फ्रूट्स कम आएंगे। तो सबसे पहले आपको वही ध्यान रखना है। और फिर हम बात करें अगर मिट्टी के बारे में, तो मिट्टी भुरभुरी चाहिए, यानी कि 25% आप खाद ले, 25% आप कोकोपीट ले, बाकी की आप मिट्टी ले सकते हैं और थोड़ी सी उसमें रेत भी मिला दें। इस तरह अगर आप मिट्टी बनाएंगे तो कोई भी फूल वाला या फल वाला पौधा आसानी से ग्रो करेगा। तो दोस्तों, ये मेरा पौधा 1.5 महीने का है। 1.5 महीने में देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी रफ्तार तेज़ी से बढ़ती है। अगर आप देखेंगे तो अगले दिन से ज़्यादा दूसरे दिन आपको कई सारी ग्रोथ मिलेगी। मगर हाँ, देखिए, अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, यानी कि इसकी बेल 5 फुट हो जाए हमारे जितनी, तो फिर उसको ऊपर से कट करना है, क्योंकि अगर हम इसे कट करेंगे तो साइड में से और कई ब्रांचेस निकलेगी। अगर आप इसको कट नहीं करेंगे तो फिर इसमें मेल फ्लावर निकलेंगे ज़्यादा, फीमेल फ्लावर नहीं निकलते। अगर फीमेल फ्लावर कम निकलेंगे तो फ्रूट नहीं बनेगा, क्योंकि फीमेल फ्लावर में ही फ्रूट खिलता है, फ्रूट वाला फ्लावर होता है। तो हमें ज़्यादा फ्रूट वाला फ्लावर चाहिए, इसीलिए हमें ऊपर से इसको कट करना है, क्योंकि साइड से जो भी ब्रांच निकलेगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल वाले, फीमेल फूल वाले फ्लावर खिलेंगे। यानी कि अगर हम इसको बाद में पॉलिनेट करेंगे मेल फ्लावर से, तो इसका फ्रूट में बनेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट मिल सकता है। तो एक ये बात हो गई। फिर पानी की बात करें तो पानी तो आपको पता है कि पानी का थंब रूल है कि जब भी मिट्टी ड्राई हो जाए ऊपर से 2 इंच तक, तभी आपको पानी देना है। अगर ज़्यादा पानी हो गया तो भी आपका पौधा बिगड़ सकता है, क्योंकि उसकी रूट रोट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि महीने में एक बार फंजीसाइड का पानी इसको दे देना है, आधा चम्मच फंजीसाइड 2 लीटर पानी में मिक्स करके इसको आप दे सकते हैं। अभी हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र के बारे में। तो जब मैंने मिट्टी बनाई थी तब ऑलरेडी मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दिया था। तो अभी इतना बड़ा पौधा हमारा हो गया है तो हमें और न्यूट्रिशन इसको देना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये फ्लावरिंग करेगा और अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम कर लेंगे थोड़ी सी गुड़ाई। गुड़ाई करने से क्या हो गया कि हमारी मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और नीचे तक उसकी हवा पहुंचेगी, तो हमारे रूट्स जो हैं प्लांट के उसे भी ऑक्सीजन मिलेगा, तो वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे। तो गुड़ाई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे घर का फ्री का निकला हुआ फर्टिलाइज़र, यानी कि हम डालेंगे सूखी हुई चाय की पत्ती। जो पत्ती आप यूज़ कर चुके हैं चाय में, उसको आप 2-3 दिन तक सुखा ले, और फिर अगर आपने इसमें कुछ अदरक वगैरह डाला है तो उसे भी निकाल ले। बाद में जो चाय पत्ती कलेक्ट होगी वो हमारी सूखी हुई न्यूट्रिशन है हमारे पौधे के लिए। तो दोस्तों, हम चाय पत्ती क्यों डालते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी होती है, क्योंकि चाय पत्ती ऑलरेडी पत्तियों से बनी हुई होती है, ग्रीन होती है, इसीलिए इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अभी हमारे पौधे को और न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, यानी कि नाइट्रोजन की ज़रूरत है, तो हम इसे चाय पत्ती ही डालेंगे थोड़े दिन तक। बाद में जब इसमें फूल आने लगेंगे तब हम इसमें फिर से वर्मी कंपोस्ट डालेंगे।
तो दोस्तों इस तरह से आप हर 8 वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार जब भी आपके यहाँ पे चाय पत्ती कलेक्ट हो तब इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं शेयर करूँगी आपके साथ जब ये फ्रूटिंग पे आएगा तब। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलेगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके, और कोई सुझाव है तो आप वो भी मुझे कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।